हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया है, तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जो पूर्णांक दिए हुए हैं उनका हमें HCF और LCM निकालना है। किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो तीनों संख्याएं दी हुई हैं उनका हम अलग अलग क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए सबसे पहले हम 12 का निकाल लेते हैं। तो 12 दो से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, अगेन 2 से 2 3 6 और ये 2 3 1 3। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 2 × 3। अब देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 × 3। अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 15। ठीक है, अब देखिए 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो होगा नहीं, है ना, 3 से होगा, तो ये लिख दिया हमने 3। 3 × 5 होता है 15 और ये हो गया 5 × 1 = 5। इस प्रकार यहाँ पर 15 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या क्या आए? 3 × 5। इसी तरीके से हम 21 के भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 21 भी जो है वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से नहीं होगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है यहाँ पर? 1 है। तो 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 3 × 7। अब हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड तो हमारे निकल गए हैं, अब हमें HCF और LCM निकालना है इन संख्याओं का। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले HCF ऑफ 12, 15 और 21। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को HCF निकालना बताया है। ठीक है, HCF जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला हमारा काम होता है कि ये जो तीनों संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड। तो हम देख पा रहे हैं तीनों ही जो संख्याएं हैं उनके गुणनखंडों में 3 जो हैं वो क्या है? कॉमन है। ठीक है, अब कॉमन गुणनखंड में भी हम क्या करते हैं? सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड लिखते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं तीनों ही जगह जो घात है वो 1 है। ठीक है, 3 की पावर कुछ नहीं, मतलब कितनी है? 1 है। 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1, इसका मतलब हम यहाँ पर HCF कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, HCF जो है वो कॉमन गुणनखंड की न्यूनतम घात होती है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमन गुणनखंड है वो 3 है और 3 की भी न्यूनतम घात कितनी? 1 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 की पावर 1। ठीक है, या हम डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए 3 की पावर 1 लिख दिया हमने, ये हो गया 3। ठीक है, 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 3। अब हम LCM निकाल लेते हैं। तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 का। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए हमें सभी गुणनखंडों को लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जो एक एक बार आए हैं गुणनखंड उन्हें लिख लेंगे। तो देखिए एक एक बार जो गुणनखंड आए हैं वो है 5 × 7 × 2 की पावर 2। ठीक है, गुणा, अब देखिए जो कॉमन गुणनखंड है वो कितना है? 3। तो अब LCM में क्या करते हैं कि जो कॉमन गुणनखंड होते हैं उसकी अधिकतम घात ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी? 3 की पावर 1, है ना। यदि 3 की पावर 2 कहीं पर होता तो हम 3 की पावर 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो हम लिख देंगे 3 की पावर 1। ठीक है, फिर से सुनिएगा, LCM में हम क्या करते हैं कि जो भी एक एक बार सिंगल सिंगल गुणनखंड होता है उसे तो हम लिख ही लेते हैं, लेकिन जो कॉमन गुणनखंड होता है उसकी हम सबसे बड़ी घात को यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या LCM, तो हो जाएगा 5 × 7 × 2 की पावर 2 मतलब 4 × 3। ठीक है, अब चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 और 60 और 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 × 7 = 42, 420। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास जो HCF है वो कितना आया? 3 और LCM कितना आया? 420।
इसी तरीके से हम यहाँ पर 17, 23 और 29 का भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और हम यहाँ पर इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं ना, या जो पूर्णांक है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 17 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या और 29 भी अभाज्य संख्या है, मतलब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, स्वयं और एक के अलावा। तो देखिए हम 17 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, वैसे तो निकलेंगे नहीं क्योंकि 17 जो है वो 17 से ही डिवाइड होगा, 17 एकम 17। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 है ना, गुणे में साथ में हम क्या लिख लेते हैं, एक, क्योंकि एक लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हम 23 के भी निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 23 भी 23 से ही क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, 23 एकम 23। ठीक है, तो इस प्रकार 23 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 23 गुणा 1। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये हो गया 29। ठीक है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये 29 से ही डिवाइड होगी, तो 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुणा 1। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, एच सी एफ और एल सी एम, तो चलिए लिख लेते हैं एच सी एफ ऑफ 17 23 एंड 29। ठीक है, बराबर, अब एच सी एफ मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बताया था कि जो कॉमन गुणनखंड होता है उसकी सबसे छोटी घात को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन गुणनखंड क्या है, 1, 1 और 1, तो हमारा एच सी एफ कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार हम एल सी एम निकाल लेंगे, तो एल सी एम ऑफ 17 23 एंड 29 बराबर। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमें जो सिंगल सिंगल गुणनखंड होते हैं उन्हें तो लिखना ही होता है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, साथ में हम गुणा एक लिखें ना लिखें कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। ठीक है, तो चलिए नहीं लिखते हैं हम, अब 17 23 और 29 का गुणा आप लोग करेंगे, मैं यहाँ पर समय बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 17, 23 और 29 का गुणा कितना आया, 11,349, मतलब एलसीएम हमारा आया 11,349, एचसीएफ हमारा आया 1। चलिए इसका हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। ठीक है, तो बारी बारी से हम एक एक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कितना, 2 की पावर 3। अब हम 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो ये हमने लिख दिया 9। ठीक है, हमें पता है 3 से डिवाइड होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो 9 बराबर 3 गुणा 3, तो 9 के जो अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 आए हैं उसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो हमें पता है 5 से डिवाइड होगा, 5 एम 25, और ये हो गया 5 एकम 5। ठीक है, इस प्रकार 25 के अभाज्य गुणनखंड आए 5 गुणा 5 बराबर कितना, 5 2 बार आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एल सी एम और एच सी एफ। ठीक है, तो एच सी एफ ऑफ 8, 9 एंड 25 बराबर। ठीक है, तो देखिए हमें एच सी एफ में क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें कॉमन गुणनखंड देखने होते हैं। ठीक है, जो हमें 3 यहाँ पर पूर्णांक दिए हुए हैं जिसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, उस पर हम कॉमन गुणनखंड देखेंगे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर सबके गुणे में 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि गुणा 1 करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा क्या निकल जाएगा, एच सी एफ। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे गुणा 1। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे क्या, गुणा 1, यहाँ पर भी गुणा 1, गुणा 1, गुणा 1। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि सभी जगह जो है क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। वैसे भी यदि कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो तो आप उसका एच सी एफ कितना लिख सकते हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1। अब हम क्या निकाल लेंगे, एल सी एम। ठीक है, एल सी एम ऑफ 8, 9 एंड 25 बराबर। एल सी एम में क्या करते हैं हम,
कि जो गुणनखंड एक एक बार आया होता है उसे तो हम लिखते ही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है जो कि एक ही बार आया, तो उसको लिखना होगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 भी एक ही बार आया है और ये 5 की पावर 2 भी एक ही बार आया है, ठीक है। यदि कोई कॉमन गुणनखंड होता तो हम उसकी सबसे बड़ी घात यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ पर देखिए सब सिंगल सिंगल बार आया है तो सभी को लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखते हैं 2 की पावर 3 मतलब 8 गुणा 3 की पावर 2 मतलब 9 गुणा 5 की पावर 2 मतलब 25, ठीक है, वही संख्याएँ आ गई जिसका हमने क्या निकाला था, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 25 8 कितना होता है 200 और 290 होता है कितना 1800, ठीक है ना। तो देख पा रहे होंगे कि HCF हमारा कितना आया 1 और LCM कितना आया 1800, यही क्या है हमारे आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। HCF हमें दे रखा है 306, HCF ऑफ 306 657 बराबर 9, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात करना है, मतलब हमें HCF दिया हुआ है और LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, HCF गुणा LCM बराबर क्या, दोनों संख्याओं का गुणा। तो चलिए इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों संख्याएं भी दी हुई हैं, क्या 306 और 657, ठीक है, और हमें HCF भी दिया हुआ है, मतलब फॉर्मूले में हमें 3 चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो हम उससे जो बची हुई एक चीज़ है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा क्या LCM। अब देखिए दोनों संख्याएं क्या है हमारे पास, 306 गुणा 657, ठीक है, बराबर। अब देखिए ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर किन दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, 306 और 657। तो हम लिख देंगे यहाँ पर HCF ऑफ 306 और 657, सेम चीज़ हम LCM के साथ भी लिख देंगे, LCM ऑफ 306 और ये 6 या 5 है ना, 657, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या काम करना होगा, पक्षांतर करना होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें LCM निकालना है और ये चीज़ें तो हमें पता हैं। तो 306 गुणा 657 बराबर HCF हमें कितना दिया हुआ है 9, तो लिख दिया 9 गुणा ये हो जाएगा LCM ऑफ 306 और ये 657, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, पक्षांतर करना है, तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657, 9 इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, तो हो जाएगा बटे में 9 बराबर LCM ऑफ 306 657। अब देखिए ये जो HCF है 9, ये इस संख्या से भी डिवाइड होगा पूरा और इस संख्या से भी डिवाइड होगा, क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो HCF है वो दोनों संख्याओं से पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो चलिए हम 9 से 657 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो 9 7 63 बचा कितना 2, यहाँ हो गया 27, तो 9 3 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 306 और 73 का, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आप गुणा करके देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 22,338 बराबर क्या LCM ऑफ 306 एंड 657, ठीक है, या करके हम इसको पलट कर लिख देते हैं, ठीक है, LCM ऑफ 306 एंड 657 बराबर कितना आया 22,338, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या
किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन देख के लग रहा होगा समझ में ही नहीं आया। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए ऐसा पॉसिबल है क्या कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या होती क्या है, है ना, n के हम यहाँ पर मान लिख लेते हैं, n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, मतलब सो ऑन आगे तक ये बढ़ती जाती हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए n अब हमें ढूंढना है, क्वेश्चन में कहाँ है 6 की पावर n, n हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, इसका मतलब हम n के जगह पर 1, 2, 3, 4 ऐसे मान रखते जाएंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि हम जब n के मान यहाँ पर रख रहे हैं तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि जब हम यहाँ पर n की जगह इन मानों को रखें तो इकाई का अंक क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी इसका मतलब उसका इकाई का अंक कितना होगा, 0। तो चलिए हम मान रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 की पावर सबसे पहले रख देते हैं 1। ठीक है, तो ये तो 6 ही आएगा। अब 6 की पावर 2 रख के देखते हैं, 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। वैसे ही हम 6 की पावर 3 रख देते हैं। ठीक है, तो 6 की पावर 3 मतलब होता है 216। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक, पहली बार जब हमने 6 की पावर 1 रखा तो 6 आया, है ना, इकाई का अंक की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 आया, 6 की पावर 2 भी हमने रख के देखा तो 6 आया, 6 की पावर 3 भी हमने रख के देखा तो 6 आया। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम सभी प्राकृत संख्याओं को ऐसे चेक करें, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पता कैसे लगाएं कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जब हम n के 1, 2, 3 और 4 और अनंत तक मान रखें तो क्या कभी ऐसा होगा कि लास्ट में हमारे पास क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए ना हम सबसे एक बेहतर तरीका ढूंढते हैं, हम एक ऐसी संख्या यहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा हो, 0। ठीक है, कोई भी संख्या हम लिख लेते हैं, जैसे 3, 2, 9, 0। ठीक है, तो देखिए क्या मैं इसको 3, 2, 9 × 10 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये तो हमने 3, 2, 9 ही हम इसको रहने देते हैं, गुणा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये दिमाग लगा सकते हैं कि भाई अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है या किसी संख्या का जो इकाई का अंक है वो यदि 0 है तो उसके गुणनखंड क्या आएंगे, कम से कम एक बार तो ये वाला गुणनखंड आएगा ही आएगा, मतलब 2 × 5 उनके गुणनखंड होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि यदि कोई संख्या है जिसके लास्ट में 0 है या इकाई का अंक 0 है तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम 6 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 6 के गुणनखंड करेंगे 6 की पावर n के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 और ये पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, n। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 × 3 आया है, ना कि 2 × 5। ठीक है, यहाँ पर n के मानों को रखने पर 0 कब आता, जब यहाँ पर हमारे गुणनखंड क्या आते, 2 × 5, क्योंकि जिस भी संख्या के लास्ट में 0 होगा उसका कम से कम एक गुणनखंड तो क्या होगा, 2 × 5 तो होगा ही होगा। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 × 3। ठीक है, चूंकि लगा देते हैं, चूंकि इकाई का अंक 0 होने के लिए गुणनखंड 2 × 5 होना चाहिए, जो कि कितना है, 6 की पावर n में 2 × 3 है, अतः यह असंभव है कि किसी प्राकृत संख्या, यही लाइन हम लिख देंगे, किसी
प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमसे पूछा ये गया था कि 6 की पावर n है ना, n जहाँ पर कोई प्राकृत संख्या है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर 6 की पावर n की जगह हम 1, 2, 3 कोई भी मान रखें तो लास्ट में हमारे पास 0 आ जाए। लेकिन हमने क्या देखा कि जिनके लास्ट में 0 होता है ना, तो उन संख्याओं के गुणनखंड में 2 × 5 मतलब 2 × 5 जो है गुणनखंड आता ही आता है। लेकिन हमने यहाँ पर 6 की पावर n मतलब 6 के गुणनखंड करके देखे जो कि 2 × 3 है, तो यहाँ पर आना कितना चाहिए था, 2 × 5 तभी पॉसिबल था कि यहाँ पर इकाई का अंक 0 आ जाए। लेकिन आ क्या रहा है, 2 × 3। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।